क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर रहने वाले हर इंसान की त्वचा का रंग एक दूसरे से अलग क्यों होता है? कोई बहुत गोरा तो कोई बहुत काला। या फिर क्या आप ये जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शहद से भरे पूल में गिर जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? या फिर क्या आप दुनिया के उस मेंढक के बारे में जानते हैं जो हमेशा उदास रहता है और कभी खुश नहीं होता? यकीनन इस तरह के सवालों के जवाब शायद ही आप जानते होंगे, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर वन, अगर आपकी किसी व्यक्ति से बहस या लड़ाई हो रही है और वो कोई ऐसी बात बोल देता है जो आपको बुरी लगे तो उस बात को हमेशा याद रखें। दरअसल गुस्सा आने पर इंसान अपने दिल में मौजूद हर चीज साफ साफ बोल देता है, फिर चाहे वो कितनी ही बुरी बात क्यों ना हो। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आपको आपके बारे में कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि वो गुस्से में आपके प्रति अपनी भावनाएं और सोच जाहिर कर रहा होगा जो कि वो सामान्य तौर पर नहीं कर सकता है। इसलिए गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले सोच लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके मुंह से निकलने वाला सच सामने वाले व्यक्ति को कड़वा या बुरा लग जाए। फैक्ट नंबर टू, अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते या फिर अपने से ताकतवर व्यक्ति से नहीं लड़ पाते हैं, तो शराब के सिर्फ दो पैग लगाने से आपकी ये समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि किसी भी तरह का नशीला पेय पदार्थ पीने से इंसान के अंदर हिम्मत आ जाती है। ऐसा हम नहीं बल्कि रिसर्च में साबित हुआ है, जिसमें शराब या बियर पीने वाले लोग ड्रिंक करने के बाद ज्यादा बेबाक तरीके से अपनी बात सामने रखते हैं और जरूरत पड़ने पर सामने वाले से दो दो हाथ करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, फिर चाहे वो व्यक्ति उससे दोगुना ज्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो। दरअसल शराब या बियर पीने के बाद व्यक्ति को तनाव और स्ट्रेस से आजादी मिलती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा ताकतवर और मजबूत महसूस करता है। ऐसे में वो कोई भी बात बिना डरे बोल सकता है या फिर किसी से भी लड़ाई कर सकता है, जिसका उदाहरण आपने कई बार सड़क चलते देखा होगा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में शराब के नशे में व्यक्ति सांड से मुकाबला करने चला जाता है और उसे हरा भी देता है, जिसे देखने के बाद शराब और बियर की ताकत पर शक करना गलत है। फैक्ट नंबर थ्री, आमतौर पर हर रेलवे स्टेशन में एंट्री और एग्जिट के लिए गेट मौजूद होते हैं जहां से यात्री ट्रेन में चढ़ या उतर सकते हैं, लेकिन जापान में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जहां एंट्री और एग्जिट करने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं बनाया गया है। दरअसल इस अजीबोगरीब स्टेशन का नाम सेरियो मिहारिशि एकी स्टेशन है, जो पहाड़ी पर नदी के किनारे बनाया गया है। इस रेलवे स्टेशन पर ना तो एंट्री एग्जिट गेट है और ना ही टिकट काउंटर और ना ही कोई इंक्वायरी डेस्क, जिसकी वजह से यहां उतरने वाले यात्री ना तो स्टेशन से बाहर जा सकते हैं और ना ही कोई नया यात्री स्टेशन में एंट्री ले सकता है। इस स्टेशन में उतरने वाले व्यक्ति को सिर्फ दूसरी ट्रेन का इंतजार करना होता है ताकि वो अपने सफर को जारी रख सके। फिर इस स्टेशन को बनाने का क्या मकसद है जिसमें से यात्री अंदर या बाहर नहीं जा सकते हैं? दरअसल जापान की सरकार वहां के नागरिकों को ये बात याद दिलाना चाहती है कि जीवन में रुकना भी जरूरी होता है ताकि आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन पल एंजॉय कर सकें। इसलिए इस नो एंट्री एग्जिट स्टेशन का निर्माण किया गया है जहां उतरने वाले यात्री प्रकृति के खूबसूरत नजारे देखकर अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि जापान के लोग काम को लेकर इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। फैक्ट नंबर फोर, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि रोजाना एक सेब खाने से कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में सेब की कितनी किस्में मौजूद हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना एक सेब का सेवन करे तो उसे सभी किस्म के सेब खाने में कम से कम 20 साल का समय लग जाएगा। यानी इस धरती पर सेब की कितनी किस्में मौजूद हैं कि उन्हें टेस्ट करते करते ही आपकी आधी उम्र निकल जाएगी, जिनका स्वाद और बनावट काफी हद तक एक जैसा ही होता है। इस दुनिया में चीन सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन करता है, जबकि भारत सेब की खेती करने के मामले में पांचवें पायदान पर मौजूद है। फैक्ट नंबर फाइव, अक्सर माता पिता अपने बच्चों को ये सीख देते हैं कि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा,
लेकिन इसी के विपरीत अगर आप साइकोलॉजी की माने तो अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि हर इंसान की सोच, समझ और दिल अलग होता है, जिसकी वजह से उसके विचार आपसे अलग हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये संभव है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो भी आपकी मदद करे। ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी को प्यार करते हैं या उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो भी आपके लिए यही सोच रखता हो। इस तरह अगर आप किसी के प्रति आदर व्यवहार की भावना रखते हैं तो उससे सेम व्यवहार की अपेक्षा ना रखें। इससे आपको ही तकलीफ होगी और रिश्तों को मधुर बनाए रखने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 6, अगर आपको खुद को आईने में देखना पसंद है तो कभी भी धीमी रोशनी में आईना देखने की गलती ना करें। दरअसल जब कोई व्यक्ति धीमी रोशनी में खुद को आईने में देखता है तो 10 मिनट बाद हमारा दिमाग अपनी ही शक्ल को डरावने रूप में देखना शुरू कर देता है। इस तरह 10 मिनट तक शीशे में अपनी शक्ल देखने पर आपको अपनी इमेज खतरनाक और खौफनाक लगने लगेगी, बिल्कुल किसी भूत की तरह। वैज्ञानिकों की माने तो हमारा दिमाग ज्यादा देर तक एक ही चीज को नहीं देख सकता है, इसलिए वो इमेज में बदलाव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डरावना हो जाता है। इसलिए कभी धीमी रोशनी में खुद को ज्यादा देर तक आईने में देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको अपने ही चेहरे से डर लगने लगेगा। फैक्ट नंबर 7, आपने आज तक बरसात में मेंढक की टरटर आवाज सुनी होगी या ज्यादा से ज्यादा पानी के आसपास उछल कूद कर रहे मेंढक को पकड़ने की कोशिश की होगी। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा मेंढक भी मौजूद है जो हमेशा उदास ही रहता है, फिर चाहे बारिश हो या धूप। दरअसल अफ्रीका में पाया जाने वाला अफ्रीकन रेन फ्रॉग हमेशा दुखी रहता है, जिसकी वजह से इसे सैड फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल अफ्रीकन रेन फ्रॉग की शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि उसे देखने पर लगता है कि ये मेंढक बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसके होंठों की आकृति नीचे की तरफ बनी होती है। इसके अलावा इस प्रजाति के मेंढक का शारीरिक रंग भी काला होता है, जो उसके रूप को और भी ज्यादा उदास बनाने का काम करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन रेन फ्रॉग हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि बारिश आने पर उसकी उछल कूद देखने लायक होती है, लेकिन इसकी शारीरिक आकृति इसे दुनिया का सबसे दुखी मेंढक बना देती है। फैक्ट नंबर 8, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग अकेले रहते हैं क्योंकि उनके पास दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताने का वक्त नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा अकेला रहना आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, जिससे आपके शरीर के अंदरूनी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। दरअसल एक शोध से पता चलता है कि हर वक्त अकेले रहने वाले व्यक्ति के शरीर को रोजाना 15 सिगरेट पीने जितना नुकसान होता है, जिससे शारीरिक अंग धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। इसके साथ ही ज्यादा अकेले रहने से इंसान की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसे नकारात्मक विचार घेर लेते हैं। ऐसे में अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज्यादातर समय अकेले गुजारते हैं तो अपनी इस आदत को बदल लीजिए और जिंदगी में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में आत्महत्या के मामलों में तेजी आ रही है, क्योंकि लोग अकेलेपन में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, गर्मी का मौसम आते ही ज्यादातर लोग स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हैं ताकि कुछ देर के लिए ही सही शरीर को ठंडक मिल सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर इंसान पानी की जगह शहद से भरे स्विमिंग पूल में डुबकी लगा दे? क्या उसके शरीर से कीड़े मकोड़े चिपक जाएंगे? आपको बता दें कि शहद से भरे पूल में तैर पाना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि शहद का घनत्व पानी के मुकाबले 36 गुना ज्यादा होता है। इसके साथ ही शहद बहुत ही चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से उसमें तैरने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा शारीरिक बल लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही शहद से भरे पूल में लगातार गतिविधि करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ मिनटों के लिए भी शहद में रुक जाते हैं तो शहद का भार आपको अंदर की तरफ खींचने लगेगा। ये प्रक्रिया बिल्कुल दलदल में फंसने जैसी होगी, जिसमें ना तो आप आसानी से बाहर निकल पाएंगे, ना ही तैर पाएंगे और ना ही पूरी तरह से डूब पाएंगे। ऐसे में शहद से भरे पूल में आपके शरीर को जकड़न, तेज दबाव और भारीपन का एहसास होगा, जिससे अगर आप पूल से सुरक्षित बाहर आ भी जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा थकान भरा अनुभव होगा। इसके अलावा अगर आप शहद से बाहर निकलते हैं तो संभव है कि बहुत सारे कीड़े मकौड़े मिठास से आकर्षित होकर आपके शरीर में चिपक जाएं। इसलिए पानी से भरे पूल के बजाय शहद के पूल में डुबकी लगाना बहुत बुरा आइडिया है, और आप ऐसा कुछ भी करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10, अगर आप पूरी दुनिया पर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि यूरोप के लोग बेहद गोरे, अफ्रीका के नागरिक बेहद काले होते हैं।
वहीं भारत में गोरे, काले और सांवले रंग की त्वचा वाले लोग निवास करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हर देश के नागरिक की त्वचा का रंग अलग अलग क्यों होता है? दरअसल इंसान की त्वचा का रंग उसके निवास स्थान पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी रंग के परिवर्तन को झेलती है। अगर आप किसी बहुत ही गर्म जगह पर रहते हैं तो आपकी त्वचा का रंग काला होगा। वहीं अगर आप किसी ठंडी जगह पर रहते हैं जहां सूर्य की रोशनी बहुत ही कम होती है तो आपकी त्वचा का रंग बहुत ज्यादा सफेद होगा। इसी तरह जिस जगह पर गर्मी और सर्दी सामान्य रूप से होती है वहां के नागरिक की त्वचा का रंग सांवला, हल्का गोरा या हल्का काला हो सकता है। इस तरह सालों साल एक ही जगह पर निवास करने की वजह से त्वचा का रंग इंसान के जीन्स पर असर करने लगता है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियों की त्वचा का रंग जीन्स पर आधारित हो जाता है। ऐसे में अगर किसी अफ्रीकी व्यक्ति का बच्चा यूरोप में जन्म ले तो भी उसकी त्वचा का रंग काला होगा, क्योंकि उसकी पिछली पीढ़ियों की जीन्स में गर्म स्थान में रहने का असर हुआ होगा। हालांकि अगर वो बच्चा पीढ़ियों तक गर्म की जगह ठंडी जगह पर रहने लगे तो उसकी त्वचा में ठंडी जगह वाले परिवर्तन आने लगेंगे और उसकी आने वाली पीढ़ियां जीन्स में आए परिवर्तन से गोरी त्वचा वाली पैदा होंगी। तो दोस्तों, ये थे दिमाग को हिला देने वाले कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। जय हिंद दोस्तों।